मैं विनय सिन्हा, संपादक कल्याणपुर टाइम्स, केटी न्यूज़। अब सभी हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करते हैं हम लोग अपने शिक्षक, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करते हुए उनसे सीखने का जिस ढंग से मुझे मौका मिला है, उसी ढंग से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। हम सभी अपने जो हमारे व्यूअर हैं, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे ग्रुप से, हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कल्याणपुर टाइम्स की उप संपादक अंजू सिंह। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है और इसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज पूर्व राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण वल्लभ की जन्मदिन भी है और मदर टेरेसा, जो मेरी आइडियल रही हैं, उनकी भी पुण्यतिथि है, जिनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ये दोनों ही बड़े उच्च कोटि के हम लोगों के जीवन में शिक्षक रहे हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और आजकल का हम वातावरण जो देखते हैं, उसमें भी यही सोचते हैं कि हमारे गुरु और हमारे शिष्य में वही जुगलबंदी रहे, जिससे हम आगे अपने जीवन में बढ़ सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज के लिए है। हम अपने बच्चों से भी यही कहना चाहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में आप देखते थे बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते थे, पर आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है। बच्चे थोड़े चंचल तो ज़रूर हैं, पर टीचर्स उनको अच्छी तरह से समझें, जानें और उनको सही राह दिखाएं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। माता पिता भले ही चाहे कितने ही अग्रसर हों हर चीज़ को सिखाने में, पर जो गुरुओं का स्थान रहेगा वो हम लोग उन लोग को नहीं दे सकते हैं। मैं इसके साथ आशा करती हूँ कि आपस में बॉन्डिंग बनाते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को संस्कार सिखाएं, जो कि माता पिता तो कोशिश करते ही हैं, पर मैं आग्रह करती हूँ टीचर्स से भी कि वो उन्हें अच्छे पथ पर लेकर जाएं और उनके लिए हमेशा ही साथ खड़े रहें, उनको मार्गदर्शन करें। इसी के साथ मैं बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ शिक्षक दिवस पर उन गुरुओं को जो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। नमस्कार। Thank you.